जनता पार्टी ने पहली बार ये सिद्ध किया है कि सरकारें जो बनती है वो परिवार के लिए नहीं होती है, सरकारें सूबे के सबसे गरीब से गरीब व्यक्ति के लिए। और मित्रों, आज फिर से चुनाव के नगाड़े बजे हैं। मैं देखता हूं 5 साल तक जो लोग अपना घर पकड़कर बैठ गए थे वो नए कपड़े सिलाकर मैदान में आ गए हैं कि अब हमारी सरकार बनने वाली है। भाई, एक हिसाब जरूर आप हमारा भी हिसाब मांग सकते हो। योगी जी है, योगी जी से मांगिए, हमारे प्रदेश अध्यक्ष से मांगिए, हमारे उप मुख्यमंत्री से, जो हिसाब मांगना है मांगिए। मगर मैं एक हिसाब अखिलेश जी से मांगना चाहता हूं कि 5 साल में आप विदेश कितने दिन रहे, इसका हिसाब जरा लखनऊ की और उत्तर प्रदेश की जनता को दे दीजिए। उत्तर प्रदेश में कोरोना आया, बाढ़ आई, आप कहां थे, इसका हिसाब दे दीजिए। मित्रों, ये लोगों ने शासन स्वयं के लिए, परिवार के लिए, और ज्यादा से ज्यादा सोच बहुत बड़ी हो गई तो अपनी जाति के लिए किया है, इसके अलावे किसी के लिए शासन नहीं किया। मोदी जी के नेतृत्व में योगी आदित्यनाथ ने जो सरकार चलाई वो सरकार यूपी के हर गरीब गुरबे के लिए चली है, यूपी के युवा के लिए चली है, यूपी के महिला, दलित, पिछड़े और आदिवासियों के लिए चली। मित्रों, ये परिवर्तन 2017 में आया था। मैं आपको फिर से याद कराना चाहता हूं मित्रों, 2014 में परिवर्तन की शुरुआत हुई। उस वक्त में यूपी भाजपा का इंचार्ज था। 2017 में राज्य सरकार बनी, तब मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में यहां डेरा डाला हुआ था। और 2019 में फिर से मोदी जी को हम सब ने प्रचंड बहुमत से प्रधानमंत्री बनाया, तब भी मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष। मैंने तीनों चुनावों को देखा है, हर चुनाव में हमने सदस्यता शुरू करी थी। आज भी ये चौथा चुनाव है, 2022 के चुनाव का श्री गणेश आज की सदस्यता अभियान से हम